हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रही है, तो मैंने आज उसके लिए एक मेकअप लुक क्रिएट किया है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं हम अपना मेकअप करना। सबसे पहले मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज किया हुआ है, उसके बाद मैं एक उषास का प्राइमर लूँगी, उसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी और उसको मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से अपने फेस पर लगा रही हूँ, जिससे कि जो मेरे फेस पर पोर्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाएं। इसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी का एक फाउंडेशन ले रही हूँ, जिसको मैंने अपने हाथ पर लिया है, उसको मैं डॉट डॉट कर कर अपने फेस पर लगा रही हूँ। इसको मैंने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके ही अपने फेस पर लगाया है। इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने फेस पर पूरे पर ब्लेंड करूंगी। इसको मैं डैप डैप करके ब्लेंड करूंगी, मैं इसको एक रगड़ कर ब्लेंड नहीं करूंगी। और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने टैप के नीचे गीला कर कर और बिल्कुल निचोड़ कर लिया है। हम इसको सूखा नहीं लेते हैं, हमेशा हम इसको डैम्प करके लेते हैं। हम इसको बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस पर फैला रही हूँ। इसके बाद पतंजलि के लिप बाम से मैं अपने लिप्स पर ये थोड़ा सा बाम लगा रही हूँ, जिससे कि मेरे लिप्स जो हैं थोड़े से मॉइस्ट हो जाएं। इसके बाद मैं अपना मेबेलिन का एक फिट मी कंसीलर ले रही हूँ, जिसको मैं अपनी अंडर आईज के नीचे लगाऊंगी, जिससे कि मेरे डार्क सर्कल कवर हो जाए और मेरी आंखें जो है थोड़ी ब्राइट हो जाए। और मैं आईलिड्स पर लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे एज अ आई शेडो बेस काम करेगा। मैं अपनी दोनों आईलेट्स पर अच्छे से इसको लगा रही हूँ। और उसके बाद मेरे जो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं फेस पर, मैंने उस पर भी इसको लगाया है। इस सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से डैब डैब करके पूरे आंखों के आसपास इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट लेकर अपने पूरे ये जो अंडर आईज के नीचे मैंने कंसील किया है, इसको मैं पैक करूंगी। इसको मैं एक स्पॉन्ज की मदद से ही इसको इसके नीचे लगा रही हूँ, अपनी आंखों के नीचे। और बाकी फेस पर मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से पूरे फेस पर अपने कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। इसके बाद मैं एक पैटर्न बाइल की आईब्रो किट लूंगी, जिससे कि मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। एक स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को कॉम्ब कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने एक एंगुलर ब्रश की मदद से इसको फिल करूंगी आईब्रो पाउडर से। और मैं इसको बहुत हार्ड हाथों से नहीं फिल करूंगी, बहुत हल्के हल्के हाथों से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी।
आई शेडो लगाने के लिए मैंने एक वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट ली है और इसको मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से अपनी आंखों पर लगाऊंगी। ये मैं एक शेड अपनी आंखों के ऊपर लगा रही हूँ, मैं क्रीज के ऊपर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा शिमर वाला शेड लेकर उसको अपनी उंगलियों पर लूंगी मैं और उसकी उसको अपनी आंखों पर धीरे धीरे लगाऊंगी। इसको मैं अपनी दोनों आंखों पर इस तरह से ही लगाऊंगी उंगली की मदद से। इसके बाद में एक ब्राउन कलर लेकर एक फ्लफी सेम फ्लफी ब्रश पर और इन सबको आपस में ब्लेंड करूंगी जिससे कि बीच में कुछ भी हार्श लाइंस ना दिखे। इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद में एक आईलाइनर लगाऊंगी जो कि मैंने एक शुगर का आईलाइनर लिया है। इसको को मैं अपनी आंखों के ऊपर बहुत पतली लाइन बनाऊंगी। इसके बाद मैंने Maybelline का एक मस्कारा लिया है जिससे कि मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। जिससे मैं वेट एंड वाइल्ड का सेम कलर लेकर और मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से उसको अपनी वॉटर लाइन के नीचे थोड़ा सा शेड दूंगी। इसके बाद मैं एक शुगर का काजल लेकर अपनी वॉटर लाइन पे लगाऊंगी। रेवोल्यूशन की पैलेट लूंगी और इसमें से ही कॉन्टूर शेड कॉन्टूरिंग के लिए यूज करूंगी। इसको अपनी एक जॉ लाइन पर लगाऊंगी। इसके बाद मैं एक पतले ब्रश की मदद से मैं अपनी नोज को कॉन्टूर करूंगी। इसके बाद मैं एक शुगर का मिनी ब्रश लेकर उसको अपने चीक्स पर लगाऊंगी। और मैं सेम पैलेट से एक हाइलाइटर लेकर ये मैं अपनी हायर चीक बोन्स पर लगाऊंगी। मैं सेम को अपनी आईब्रोज के थोड़ा सा नीचे हाईलाइट करूंगी।
थोड़ा सा मैं ये अपनी नोज टिप पर, नोज के ब्रिज पर थोड़ा सा ये मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, थोड़ा क्यूपिड पर और थोड़ा सा अपनी चिन पर। मैं थोड़ा हाइलाइटर अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पर लगाऊंगी, इससे आंखें तो बहुत ब्राइट दिखती हैं। अब मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से पूरा सब कुछ एक साथ थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं शुगर की एक लिपस्टिक लगा रही हूँ, इसका शेड है 01 स्कारलेट ओहारा। इसको मैं अपने फेस पर लिप्स पर लगाऊंगी। मैं आपसे मिलती हूँ बस अपने बाल ठीक कर और 2 मिनट में।